स्थिति में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो घोषित प्रत्याशी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। अभी भी हम लोग बिलसी में सम्मेलन था, वहाँ पे गए, वहाँ पे वोटों की अपील करके आए हैं और जनता के बीच जाना हम लोग की प्राथमिकता है और जनता को एकजुट करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट होना आज के समय में ये प्राथमिकता है। प्राथमिकता हमारी जो हमारे इस देश का संविधान है उसको बचाना है, तो इसीलिए अभी हम लोगों का लक्ष्य समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कराना और जो कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी प्रत्याशी हैं घोषित, तो उन्हीं के पक्ष में हम लोग वोट की अपील कर रहे हैं। संघमित्रता को लेकर लगातार शिवपाल जी कह रहे हैं, बयान जो आ रहे हैं वो आप समाजवादी पार्टी के साथ देंगे, उधर जो है संघमित्रता ये दावा कर चुकी है कि हम पहले दिन से ही भाजपा प्रत्याशी के साथ हैं, तो इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, वो मैं समझता हूँ ये बात अब आदरणीय शिवपाल सिंह जी पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन जहाँ तक संगमित्रा जी की बात है तो इस समय पूरी तरीके से उनकी अनदेखी भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से की जा रही है उसको देखते हुए हम लोगों का यही कहना है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की है और दूसरी याद पे भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला का टिकट काट के और जो महिला पे उत्पीड़न हो रहे हैं उन केसेस को अगर आप देखेंगे तो उन सब पे अनदेखी करके ये साबित किया है कि उन्हें महिलाओं से कोई भी उनको सहानुभूति नहीं। तो निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में वो होंगी कि नहीं होंगी ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। प्रत्याशी जो है भाजपा के शिवपाल जी को गुंडों का संरक्षण देने की बात करते हैं, क्या है ये जुबानी शब्द? क्योंकि वो तो आपने जैसा कहा जुबानी है तो वो तो ये जुबानी बातें हैं, कहीं पे वो गुंडों का सरदार बता देते हैं तो फिर उन्होंने कल जवाब भी दिया कि भाई तो चेले तो वो ही हुए फिर उनके, तो ये सारी बातें हैं। मैं समझता हूँ मुद्दों पे बात होनी चाहिए, किसानों की क्या स्थिति है, नौजवानों की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, इस पे कब बात करेंगे? यही सारी गुंडागर्दी और जाति धर्म की बात करके हमेशा जनता को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर